गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो अगेन वेलकम इन योर बायो क्लास. टुडे वी आर स्टडिंग ह्यूमन हेल्थ. सो इन प्रीवियस और लास्ट वीडियोस यू हैव रीड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटीज. यू हैव क्लियरली रीड. नाउ टुडेज टॉपिक इज vaccination and immunization. There are two terms, vaccination and immunization. The principle of immunization or vaccination is based on the property of memory. Ek term aaya hai, property of memory. What is the meaning of this term, property of memory? Property of memory ka matlab hota hai ki इम्यूनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो मेमोरी के बेस्ड पर होती है. जो सेल होती हैं वो पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और नेक्स्ट टाइम उन जब पैथोजेंस का फिर अटैक होता है तो वो मेमोरी बेस्ड उन पैथोजन को रिकॉग्नाइज करती है और उसको फिर एंटीबॉडीज जो बनती है उससे वो पैथोजेंस को किल करने लगती हैं. दैट्स दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी. तो प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यूनी सिस्टम. द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेंस पोर्शन. प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेंस पोर्शन मतलब एंटीजेंस किसको कर रहे हैं? वीकेंड एंड डेड पार्टिकल्स ऑफ पैथोजन. एंटीजेंस किसके लिए है टर्म यूज हो रहा है? डेड पार्टिकल्स ऑफ और वीकेंड, या तो बहुत कमजोर पार्टिकल होंगे या डेड पार्टिकल्स ऑफ पैथोजन इज कॉल्ड एंटीजन. प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन प्रोटीन और पैथोजन्स और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन्स आर दोज एंटीजन्स इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी. वीकेंड पैथोजन्स को बॉडी में एंटर किया जाता है, ठीक है? तो वो क्या करता है? दीज एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन अ बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस. जो एंटीजेंस बॉडी में एंटर हुए हैं उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होने लगती है. क्लियर? दीज एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस विच न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स. न्यूट्रलाइज का मतलब उसको किल कर देना, उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर देना, ठीक है? जो एंटीबॉडीज जो डेवलप होती है बॉडी के अंदर वो पैथोजेंस की टॉक्सिस नेचर को ख़त्म करने लगती है और किल करने लगती है ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन. द वैक्सीनेशन ऑल्सो जनरेट, वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन. और ये वैक्सीन जो है ये बी और टी सेल प्रोड्यूस करती है. बी सेल जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है और टी सेल जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही है. क्लियर? ये दोनों सेल क्या करेंगे? मिलकर पैथोजेंस को बहुत ही क्यूटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एंड सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवर्म द इन्वेडर्स और उसको एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है, विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. और जैसे ही वो एक्सपोजर होता है एंटीबॉडीज तुरंत डेवलप होने लगती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में. क्लियर? इफ़ द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यूनी रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इट्स टिटनस. इसके लिए एक एग्जांपल्स लिया है टिटनस का. कोई एज पर्सन है वो डेडली माइक्रोब से सफ़र कर रहा है विच क्यूकली रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड और उसको तुरंत एक एंटीबॉडीज रिक्वायरमेंट है तो टिट बैक उसको दिया जाता है, टिटनेस दिया जाता है. वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट और परफॉर्म एंटीबॉडीज. तो डायरेक्टली एंटीबॉडीज इंजेक्शंस दिए जाते हैं. दिस इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है? ये जो इंजेक्शंस हैं एंटीबॉडीज के डायरेक्टली इंजेक्ट किए जा रहे हैं और ये एंटीटॉक्सिस, ये इंजेक्शंस किसके होते हैं? एंटीटॉक्सिस के. अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन.
Even in case of snake bite, the injection which is given to the patient contain perform antibodies against the snake venom. क्या किया जाता है कि स्नैक बाइट के समय पर पेशेंट को एक इंजेक्शन्स दिया जाता है जो कि स्नैक विनम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं. दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी. तो ये आपको क्लियर हो गया. बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी मतलब जो तुरंत रिस्पॉन्स करती है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती पैसिव इम्यूनिटी, और इट इज़ रेडीमेड एंटीबॉडीज, इट गिव्स इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस. क्लियर? इट मे कॉजेज अ रिएक्शन. कभी कभी पैसिव इम्यूनिटीज में एक रिएक्शंस भी हो सकता है, कहा जाता है साइड रिएक्शन. क्लियर? तो दिस इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. क्लास 9th में भी आपने स्टडी किया हुआ है कि वैक्सीन एक प्रकार के एंटीबॉडीज डेवलप करने की मेथड है. बॉडी में डेड माइक्रोब्स या वीक माइक्रोब्स के पार्टिकल्स होते हैं जो इंजेक्शंस के थ्रू बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं, और बॉडी में इंट्रोड्यूस जैसे ही होता है वैसे ही जो बी और टी सेल होती हैं एंटीबॉडी सेल, वो बहुत जल्दी से वर्क करने लगती हैं और क्या करने लगती हैं, एक्सपोज करने लगती हैं, जिससे बहुत सारी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है. ये एंटीबॉडीज जब बहुत सारी डेवलप हो जाती है तो पैथोजेंस की टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है. क्लियर? और इस तरीके से वैक्सीन वर्क करती है. और इम्यूनाइजेशन बेसिकली डिपेंड करता है मेमोरी बेस्ड सेल पर, मतलब मेमोरी जो प्रीवियस मेमोरी होती है वही जाके वर्क करती है. स्वप्निल, उत्कर्ष तो दिस इज पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन. आई थिंक स्टूडेंट यू हैव क्लियर दिस टर्म्स. यू विल रीड each and every line very carefully. If you have doubts, if you have any doubt, so you can discuss me. Now, vaccine or immunization. Now, I will give you some short terms or short key points. Vaccine. Vaccine is process of introductions of weakened and inactive pathogens or proteins into a person to provide protections against our disease is called vaccination. Immunization is a process by which the body produces antibodies against the vaccine and develop the ability to neutralize pathogens during actual inflammation or secondary response. We have already discussed this point, primary response and secondary response. Vaccination provide इम्यूनाइजेशन आफ्टर अ टाइम गैप. तुरंत इम्यूनाइजेशन नहीं देता है, लेकिन मेमोरी सेल के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन से आफ्टर सम टाइम यदि सेम पैथोजेंस बॉडी में अटैक करेगा तो वैक्सीन वर्क करेगी. वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी कॉल्ड मेमोरी ऑफ द इम्यूनी रिस्पॉन्स. क्लियर? मेमोरी अभी वर्ड हम लोग यूज कर चुके हैं. द वैक्सीन जनरेट मेमोरी बी सेल, और कौन कौन सी दो सेल प्रोड्यूस कर रहा है? बी सेल और सेकेंड टी सेल. बी सेल और टी सेल, बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, टी सेल हेल्प टू बी सेल. इफ क्विक इम्यूनी रिस्पॉन्स वी नीडेड एज अ टिटनस इन्फेक्शंस, प्रिफर्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स इज इंजेक्टेड इन टू अ पेशेंट. This type of immunization is called passive immunization. जो direct antibodies दी जाती है वो passive immunization का एक example है. Clear? By the recombinant DNA technology, vaccine have been produced a large scale. Hepatitis B vaccine is produced from yeast.
डीएनए टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी वैक्सीन्स प्रोड्यूस की हैं। हेपेटाइटिस बी इज अ गुड एग्जांपल्स दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ईस्ट। डियर स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टर्म इज एलर्जी। एलर्जी क्या है? द एक्स एग्रीगेटेड और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ द इम्यूनी सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। समझ में आया? एक बार फिर से क्लियर करें। द एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यूनी सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। कुछ ऐसे कंबाइंड सिम्टम्स जो इम्यूनिटी सिस्टम्स में डेवलप हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ स्पेशल टाइप के एंटीजन्स हैं। इट इज़ कॉल्ड एज एलर्जी। ठीक है, तो एलर्जी मीन्स सुपर सेंसिटिविटी। जब सेंसिटिविटी बॉडी की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इट इज़ कॉल्ड एलर्जी। सेकेंड टर्म्स है द सब्सटेंस और एजेंट्स विच प्रोड्यूस अ इम्यूनी रिस्पॉन्स टू एन इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एलर्जियंस। एलर्जियंस टर्म्स क्या रहा है? वो सब्सटेंस जो एलर्जी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दिस टाइप ऑफ आईई टाइप। हम मैंने आपको क्लियर किया हुआ है इन प्रीवियस वीडियोज़ में कि यहाँ पे 6 इम्यूनो ग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इसमें आईजीई जो है वो एलर्जी बेस्ड इम्यूनो ग्लोबिन प्रोटीन्स है। क्लियर, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो इम्यूनोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। तो आईई आईजीई इसमें जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है वो आईईजी है, आईईजी। क्लियर स्टूडेंट, आईईजी टाइप की है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जियंस आर माइट्स इन डस्ट, पैथोजन, एनिमल डेंडर्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ एलर्जी रिएक्शन इंक्लूड स्नीजिंग। क्या क्या है एलर्जी रिएक्शंस के सिम्टम्स क्या हैं? स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामाइन एंड दूसरा क्या है, सेरोटोनिन। ठीक है, फ्रॉम द मास्ट सेल। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज्ड और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जियंस। इसके लिए कौन सी एलर्जी, फिर से आई थिंक उसको रिपीट फिर कर रहे हैं कि एलर्जी टेस्ट के लिए उसे बहुत सारे जो एलर्जियंस हैं वो इंजेक्शंस के फॉर्म पर पेशेंट्स को दिए जाते हैं और उनका रिएक्शन चेक किया जाता है। ठीक है, तब एलर्जी कंफर्म होती है कि किससे वो सिम्टम्स आ रहे हैं। द यूज़ ऑफ ड्रग्स और एलर्जी के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती है, दिस इज हिस्टामाइन और एड्रेनिल एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, इट्स गिव्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी की डायरेक्ट कोई ऐसे मेडिसिन नहीं है, बट ये स्टेरॉइड्स, ये हॉर्मोन्स हो गए, ठीक है ना, कुछ स्पेशल टाइप के हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स वगैरह हो गए, फिर एड्रेनिल ये भी हार्मोन है, एंटी हिस्टामाइन ये क्या है, एलर्जी के सिम्टम्स को दूर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सम हाउ मॉडर्न डेज लाइफ स्टाइल हैज़ रिजल्टेड इन लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जियंस। मोर एंड मोर चिल्ड्रंस इन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जी एंड एस्थमा। एस्थमा भी एक सुपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, और ये पॉल्यूशन से हो रही है, मतलब वही कि पॉल्यूशन एयर में कुछ ऐसे एलर्जियंस होते हैं जो कि एलर्जी डेवलप करते हैं और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। इट कुड बी प्रोड्यूस टू द प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड अर्ली इन लाइफ। दैट्स अ रीज़न कि प्रीवियस टाइम पर
एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कैद किया जाता था। हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट अर्ली टाइम पे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते थे। अब नाउ टर्म ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी इज़ अ एबनॉर्मल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। ये क्या है? एबनॉर्मलिटी, इम्यूनिटी सिस्टम जब ओवर सेंसिटिव होता है और इम्यूनिटी सिस्टम में जो सेल्स होती हैं वो फॉरेन सेल्स और सेल का रिकॉग्नाइज डिफ्रेंशिएट करना बंद कर देती हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी। मीन्स मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन अ हायर वर्टिब्रेट बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। मतलब इसमें फॉरेन ऑर्गेनिजम्स और वीकेंड जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करना बंद कर देती है। ठीक है, इम्यूनिटी सेल। वाइल स्टिल वी डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस द टू कोरोलरीज ऑफ दिस एबिलिटी हैव टू बी अंडरस्टैंड। वन हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। जनरली क्या होता है कि हायर वर्टिब्रेट्स में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल को रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील विद दिस एस्पेक्ट्स टू समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन। ऑटोइम्यूनिटी इज अ डिजीज समटाइम्स अननोन और जेनेटिक रीजन्स द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल। बॉडी सेल्फ सेल को ख़त्म करने लगती है। दिस रिजल्ट इन डैमेज ऑफ द बॉडी एंड इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। एग्जाम्पल्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक एग्जाम्पल्स है ऑटो इम्यूनिटी डिजीज का। ल्यूपस इज ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। नेम लिख लीजिए ल्यूपस। ठीक है, ल्यूपस भी ऑटो इम्यूनिटी डिजीज का एग्जाम्पल्स है। क्लियर? और आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। फिर एक आया है ल्यूपस एक एडिसन डिजीज। नेम नोट कर लीजिए एडिसन्स डिजीज। नेम ऑफ द ऑटो इम्यूनिटी एडिसन्स एपोस्ट्रोफी एस है। ठीक है, ये ल्यूपस रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एडिसन्स डिजीज द नेम ऑफ सम ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्यूनिटी सिस्टम इन द बॉडी। बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम क्या क्या, हमारी बॉडी में कौन कौन से इम्यूनिटी सिस्टम है? तो देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम इज इम्यूनिटी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्ट इज लिम्फोइड्स ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेकेंड इम्यूनी सेल। थर्ड वन सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। फोर्थ लिम्फोइड ऑर्गन्स और लिम्फोइड टिश्यूज। ठीक है, अगेन आई विल रिपीट इट, द इम्यूनिटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड टिश्यूज, लिम्फोइड सेल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। तो फोर हो गए। वी हैव रीड इम्यूनिटी सिस्टम इज यूनिक इन सेंस इट्स रिकॉग्नाइज। इम्यूनिटी सिस्टम वो होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज कर ले एंड रिस्पॉन्स टू दीज एंड रिमेंबर दैट। तीन काम है उसके, एक रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करना, फिर उसको रिस्पॉन्स देना एंड उसकी मेमोरी को रखना। There are three parts of or three functions of immune system. The immune system also play is important role in allergic reaction.
एलर्जिक रिएक्शंस के लिए इम्यूनिटी सिस्टम का रोल होता है। यदि इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी एलर्जी नहीं देगा। ऑटोइम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इम्यूनिटी सिस्टम के यूज़ ज़्यादातर ऑटोइम्यून डिजीज में हो रहा है। सेकंड, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस में, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस होता है स्पेशली किडनी, ठीक है, कुछ कुछ पार्ट्स लिवर के भी ट्रांसप्लांट होने लगे हैं एंड हार्ट का भी कुछ पार्ट जो है ट्रांसप्लांट होने लगा है। तो जब ट्रांसप्लांट प्रोसेस होती है तब इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी के वर्क करती है, ठीक है। लिम्फोइड्स ऑर्गन, अब हम लोग जो फोर कंपोनेंट्स हैं उसके इम्यूनिटी सिस्टम के, लिम्फोइड्स ऑर्गन, इम्यूनी सेल्स, लिम्फोइड ऑर्गन, इम्यूनी सेल्स, इम्यूनी टिश्यू और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, इन सबको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है लिम्फोइड ऑर्गन, कौन सा आया, लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, दीज आर ऑर्गन्स वेयर ओरिजन एंड मैच्युरेशंस और प्रोलीफरेशंस ऑफ लिम्फोसाइट्स ऑकर, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स फॉर्म हो रहे हैं। ये बॉडी के वो ऑर्गन्स हैं वेयर डेवलप होते हैं, ठीक है, मैच्योर हो रहे हैं, वेयर लिम्फोइड्स जो लिम्फोसाइट्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं और एक्सपोज हो रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड एज लिम्फोइड्स ऑर्गन। द प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन इज बोन मैरो। देयर लिम्फोइड्स ऑर्गन टू टाइप के हैं, प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन में आएगा बोन मैरो, सेकंड थाइमस ग्लैंड्स, वेयर इनमैच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। ये वो प्लेस है बोन मैरो थाइमस जहाँ पर मैच्योर इमैच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं और वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स को। आफ्टर मैच्योरेशन लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन, एंड मैच्योरिटी के बाद ये जो प्राइमरी इमैच्योर लिम्फोसाइट्स टिश्यूज़ हैं ये कहाँ पर चले जाएंगे, सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन्स पर, ठीक है। तो प्राइमरी लिम्फोसाइट्स पर इमैच्योर लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, और सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन में मैच्योर लिम्फोसाइट्स माइग्रेट होते हैं। सो आई थिंक यू हैव क्लियर प्राइमरी लिम्फोसाइट्स एंड सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स, राइट स्टूडेंट्स। नाउ आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन कौन से हैं, लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स ऑर्गन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट एंड मैच्योर टू बिकम एंटीजन सेंसिटिव, एंटीजन सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है, बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो और थाइमस के बाद सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फोसाइट्स, MALT, MALT। देयर आर सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन। सो स्टूडेंट, हियर वी विल कंप्लीट अवर वीडियो एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन डिटेल सेकेंड लिम्फोसाइट्स ऑर्गन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।